आज है गोवर्धन पूजा, तो मैं जा रही हूँ गोधन बनाने। तो ये हम गोबर से बनाते हैं, तो गाय के गोबर से हम बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया बनाना, तो मैं भी जा रही हूँ बनाने। तो यहाँ पे बनाने बहुत क्योंकि कुछ हमने बनाया तो जाता है पहले ही बनाई इसमें, तो हम सारा, अब आज जैसे जाने कि तो एक तो बना ही गोधन लेंगे। बनाया जाता है, गोधन की वाइफ को बनाया जाता है, और उनके लिए घर, सब कुछ जो घर में होता है वो सब कुछ बनाया जाता है। जैसे कि एक गुनसार होता है, जैसे इसमें भूजा बुझाता है और चना होना, इस टाइप में आप समझ पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। और यह गोधन बाबा, और इनका मैं बच्चा बना रही हूँ, इनका बेबी, गोधन बाबा का बेबी, और क्यूट सा मैं इसे बना रही हूँ। और ये है गोधन बाबा की वाइफ एंड गोधन बाबा। उसके बाद हम बनाएंगे चकुदार, यानी कि जो रक्षा करते हैं उसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो चौकीदार और चौकीदार की वाइफ को हम बनाएंगे ऐसे करके। सो आई होप कि वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगे। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी पूरा दिखाने का और मेरे से जितना हो पाएगा। तो ये हमने बना दिया है, तो ये कुछ इस टाइप के दिख रहे हैं। और इनका आइस जो है हमने गोली से बनाया है, कंचे यानी गोली से हमने बनाए हैं। तो ये है सिलवट लोढ़ा एंड बेलना चौकी, जिसपे रोटी हम बनाते हैं। और ये है सब कुछ हम बता दिए, बहुत कुछ सब कुछ बनाया जाता है, कुआं हो गया सब कुछ। ये चकुदार है एंड ये चकुदार की वाइफ, और ये है गोधन बाबा की वाइफ। तो इस टाइप में आपको सब कुछ बनाना है, जैसे एक इंसान होता है वैसे बनाया जाता है। और ये भाई के लिए होता है, भाई दूज जिसको बोला जाता है, कितने क्यूट लग रहे हैं। और भाई के लिए होता है, सो हम लोग के यहाँ होता है तो हम करते हैं। और आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अपने भाई से प्यार करते हैं तो। एंड बस ये कंप्लीट हो गया है और मैं अपना पिक्चर्स डाल दूंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप में। और बनाते टाइम में मैं नहीं ले पाई क्योंकि बहुत जन था, मैं अकेले नहीं थी तो मैं अकेले का नहीं ले पाई। बट जब मैं थोड़ा थोड़ा बनाना था तो मैंने ले लिया अपना पिक। और इसे सुबह को हमें जाना है रेडी होकर, तो मंडे ट्यूसडे था उस दिन, तो इसीलिए हमें सूरज निकलने से पहले ही हमें रेडी होना था। तो अभी 4 बज रहे हैं सुबह के और इस टाइम मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि कूटना पड़ता है। मंडे को हम बनाएं और उसे ट्यूसडे को कूट देंगे हम, वही मेन होता है। तो उस दिन है ट्यूसडे को था भाई दूज, और आई थिंक 29 को है भाई दूज, और 28 को हम गोधन बनाए थे। तो अभी मैं बहुत लेट हो गई हूँ गाइस, क्योंकि 4 बजे तक रेडी होकर जाना था और मैं 4 बजे उठी, उसके बाद नहाने वहाने के बाद बहुत लेट हो गए, तो इसकी वजह से। और अब मैं रेडी हो रही हूँ, तो कैमरा गिर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी सोची थी कि मैं गेट रेडी विथ भी शूट कर लूँ, बट एक तो लाइट का प्रॉब्लम है, बिल्कुल अंधेरा है और इसके वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है। और मैं जल्दी जल्दी में हूँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ और मेरी मम्मी बहुत गुस्सा कर रही है, तो इसी की वजह से मैं जल्दी जल्दी से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके फटाफट जाऊँगी और मैं निकल गई हूँ। और इधर अभी देख रहे हैं कि अभी उजाला भी नहीं हुआ है, पूरा अंधेरा है गाइस। मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ क्योंकि लेट हो चुका है। और इसे कुंवारी लड़की लोग नहीं कूटती, जिनके शादी नहीं हुए, जो शादीशुदा नहीं है, जो शादीशुदा है वही इनको कूटती हैं। तो हमने इतना अच्छा से इसे बनाया था और अभी सुबह के टाइम आप देखिए कि कैसे हो गया है, पूरा सबको एक साथ इकट्ठा करके उसे कूट कूट के बना दिया है। तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो प्रसाद होता है वो लड़की लोग नहीं खाती है, सिर्फ लड़का लोग खाता है, भाई लोग ही खाता है और कोई नहीं खा सकता है। जो भी है लड़का लोग खाएगा, लड़की लोग नहीं खाई जा खाती है ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे फिर उनको भाई लोगों को सरापा भी जाता है, बहुत सारा नियम होता है बट वो मैं नहीं दिखा पाई आपको। और यहाँ पे फिर जियाया जाता है, क्या क्या होता है भगवान जाने जो भी, बट करते हैं सब कोई। और ये है, मैं कुछ पिक डाल दी हूँ आपको, आप फर्स्ट पिक देख लीजिए कितना अच्छा से हमने बनाया था। और अभी एक साथ इकट्ठा कर दिया है सब कोई, और ये रही मैं, सबका पाँव छू रही हूँ। एंड फोटो उतना अच्छा नहीं आ पाया है बट कोई नहीं। तो ये है मेरा ड्रेस एंड 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 और पूजा हो गया है गाइस। अब
अब जाना है खाना बनाना है, उसके बाद ही कुछ होगा। तो मैं आई हूँ पूजा घर में, और पूजा घर धोना है क्योंकि बहुत लेट हो गया था पूजा में, इसलिए मैं जल्दी 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 करके आई, तो इसलिए मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा पाई आप सबको, तो उसके लिए सॉरी। बट मैं कोशिश की थी बट नहीं हो पाया। मैं आपको कुछ पिक्चर्स डाल दूंगी तो आप देख ले। तो सो ये है मेरा पूजा घर, और अभी मैं पूजा वाले रूम में आई हूँ, और यहाँ से सन बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है गाइस, क्योंकि अभी तुरंत ही उगे हैं। आई थिंक अभी 6:30 बज रहा होगा, और ये हम दिखा रहे हैं आपको दिवाली के टाइम में हमारे यहाँ पे ऐसा घर बनाया जाता है, छोटा सा बच्चा लोग बनाता है, तो एक क्यूट सा जात है जिसमें आटा पीसा जाता है, गेहूं को पीसा जाता है, सिलवट लोढ़ा है, अभी बहुत सारा नहीं आ पाया है सामान, और एक घर है इसको जो भी रंगोली बोलिए मैं बनाई हूँ, और घर मेरी बाबू ने बनाया है, और ये मैंने तसली बनाया है, उसका ढक्कन बना ढकने वाला बनाया है, तसली जैसा बना नहीं बट मैं बनाने की कोशिश की। एक और यहाँ पे जात है क्यूट सा, और फिर यहाँ पे चूल्हा ये भी मैंने बनाया है, और इस पर मैंने रख दिया, ऐसे करके बनाएंगे। तो घर बहुत सुंदर है क्योंकि यहाँ पे दिवाली में सब कोई बनाता है, और एक क्यूट सा ग्लास भी आपको दिख रहा होगा, तो ये घर उतना खास नहीं है बट ठीक है, बहुत सुंदर लगा मुझे। तो आज के दिन जो जब हम पूजा करके आते हैं तो हमें लाल चाय पीना चाहिए, ब्लैक टी, दूध वाला चाय हमें नहीं पीना है, तो हम ब्लैक टी ही पियेंगे। और आज के दिन खीर पूड़ी बनता है एंड सब्जी, और जिसको हम पूरन पूरी आई थिंक बोलते हैं, वही पूड़ी बनता है, दाल वाला भर के पूड़ी बनता है, तो अभी मैं बना रही हूँ, और खीर भी बनता है तो फटाफट बनाना है। इधर खीर भी बन रहा है, पूरी कुछ बन गया, और बाकी है इधर भाभी मेरी बेल बना बना के रोटी बेल बेल के पूरी बेल बेल के दे रही है, और मैं बना रही हूँ। तो यहीं पे मैं ब्लॉग ख़त्म कर दूंगी गाइस, और बस बनाने के बाद, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मैं नहीं कर पाई थोड़ा सा, क्योंकि इस दिन मेरे मम्मी पापा गांव भी जा रहे थे छठ पूजा के लिए, इस बार मैं नहीं जा पाई, तो हमारा इतना सारा पूड़ी बन के रेडी हो गया है, और ये अब मैं खाऊंगी, एंड ये इसके बाद बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप सबको हैप्पी भाई दूज। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाई थी उस टाइम। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।